राधे राधे मित्रों, 2 जुलाई 2019 को बहुत ही अच्छे संयोग में आ रही है आषाढ़ी अमावस्या। दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन किसान अपने खेती में काम आने वाले यंत्रों जैसे हल इत्यादि का पूजन करते हैं। और इस बार जो हलहारिणी आषाढ़ी अमावस्या है वो पड़ रही है मंगलवार को। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौमवती अमावस्या कहा जा रहा है। दोस्तों, भौमवती अमावस्या या मंगलवारी अमावस्या का दिन बहुत खास होता है पितरों के लिए। इस दिन पितरों का पूजन अर्चन करने से मनुष्य अपने पितृऋण से मुक्त हो जाता है और पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान देने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। इतना ही नहीं, मंगलवार का दिन होने के कारण इस दिन संकट मोचन हनुमान जी और मंगल देवता की उपासना करना बहुत ही लाभदायी माना गया है। खासतौर पर वो लोग जो लोग कर्ज से लगातार परेशान रहते हैं, उन पर बहुत सारा ऋण बन गया है, उन्हें तो इस अमावस्या पर राम भक्त हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या का उपवास रखने से पितृगण के साथ ही साथ सूर्य, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अष्टवसु, अश्विनी कुमार, ऋषि आदि सभी तृप्त होते हैं और सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही विशेष होती है भौमवती अमावस्या। तो दोस्तों, इस आषाढ़ी अमावस्या में हमें कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। कौन से हैं वे कार्य, यही जानकारी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला काम है, चूंकि भौमवती अमावस्या यानी मंगलवारी अमावस्या है, तो इस दिन भगवान श्री हनुमान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अगर हो सके तो हनुमान जी को चमेली के तेल से चोला भी जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान हनुमान जी के प्रसन्न होने से साधक की सभी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूरी होती हैं। तो हनुमान जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन कीजिए। इसके अलावा अगर आप पर कर्ज बढ़ गया है, कर्ज की समस्या है आपके जीवन में, तो इस दिन ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना बहुत शुभ फलदायी होता है। या तो आप इस पाठ को स्वयं करें या फिर किसी युवा ब्राह्मण सन्यासी से करवाएं। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरा कार्य है पितरों का पूजन। दोस्तों, मंगलवारी अमावस्या का दिन पितरों को संतुष्ट करने के लिए बहुत ही खास होता है और पितरों को प्रसन्न करना यानी जीवन में हर प्रकार से सुख और शांति। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आपको क्या करना है, तो गाय के गोबर से बने हुए उपले पर शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर के धूप देनी चाहिए। अगर घी और गुड़ उपलब्ध ना हो तो आप खीर से भी धूप दे सकते हैं, और अगर खीर भी उपलब्ध ना हो तो घर में जो भी ताजा भोजन बना हो उससे भी धूप देने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। धूप देने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है। हथेली में आप पानी ले लीजिए और अंगूठे के माध्यम से उसे धरती पर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति का अनुभव होता है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है। इसके अलावा पितरों की प्रसन्नता के लिए इस दिन ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची रस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और पुष्प को अर्पित करना चाहिए। इससे भी पितरों को प्रसन्नता होती है। इसके अलावा इस दिन पितृ सूक्त या पितृ स्त्रोत का पाठ भी हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, ये दिन बहुत खास होता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तो ये कार्य आप अवश्य करें। अगला कार्य जो हमें इस दिन करना चाहिए, अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर के ओम पितृभ्य नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य देना भी बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा अगर लंबे समय से आपको कोई बीमारी है, स्वास्थ्य समस्याएं लगातार चल रही हैं और उनका कोई सलूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो इस दिन गुड़ और आटे का जितना हो सके आप दान कीजिए। ऐसा करने से रोग से आपको राहत मिलती है। अगला कार्य उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने एजुकेशन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो इस दिन विद्या की प्राप्ति के लिए और अपने एजुकेशन लाइन को अच्छा करने के लिए रेवड़ी को, रेवड़ी आती है आप मार्केट से लेकर के आइए, तो रेवड़ी को मीठे जल में प्रवाह करें। ऐसा करने से विद्या की प्राप्ति होती है। अगला कार्य उनके लिए है जिनके घर में कलेश रहता हो, यानी लोगों में आपस में पटती नहीं हो, मनमुटाव हमेशा बना रहता हो, तो उन्हें
घर के क्लेश को शांत करने के लिए इस दिन जल में लाल मसूर बहाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है। अगला कार्य है अमावस्या की शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाइए। एक चीज का ध्यान रखिए कि बत्ती में रुई की जगह लाल रंग के धागे का उपयोग करें। इसके साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर डाल दें। इस दिए को जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, ये वे कार्य हैं जो हमें इस अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।